जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैं मुन्नार में था, तो मैं मुन्नार को एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ से बस लेकर थिरुवनंतपुरम आ गया। थिरुवनंतपुरम पहुँच के मैंने अपने होटल में चेक इन किया, नहाया, उसके बाद मैं लंच करने के लिए मदर वेज प्लाजा पहुँच गया। मदर वेज प्लाजा अपने सादिया की थाली के लिए फेमस है। यह एक प्रकार की केरला स्पेशल थाली है जिसमें आपको वेराइटीज ऑफ फूड मिलते हैं। इसके बाद मैं पद्मनाभम स्वामी मंदिर आ गया। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में आपने सुना ही होगा। इस मंदिर में प्रवेश के लिए आपको ड्रेस कोड पहनना होगा। मैंने भी ड्रेस कोड पहना, जो कि पुरुषों के लिए धोती था, पहन के भगवान का दर्शन किया। और अगले दिन मैं ब्रेकफास्ट करके कन्याकुमारी के लिए निकल गया। मैंने यह जर्नी ट्रेन से करी। लगभग इस जर्नी को करने में मुझे लगभग 3 घंटे लगे और जो ये जो जर्नी है काफ़ी सीनिक है। तो भाई कन्याकुमारी पहुंचने के बाद मैंने अपना सामान क्लॉक रूम में रखा और कन्याकुमारी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। सबसे पहले मैं भगवती अम्मन मंदिर गया। उन्हीं के नाम पे कन्याकुमारी का नाम कन्याकुमारी है। उसके बाद मैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के लिए जेट्टी की तरफ गया। वहाँ की लाइन देख के मुझे तो लगा कि आज तो ना हो पाएगा। मैंने 200 रुपये वाला स्पेशल टिकट लिया, पर वहाँ भी मुझे करीब आधा घंटा लग गया बोट तक पहुँचने में। फिर 10 मिनट की बोट राइड करके विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुँच गया। भाई बोट में बैठने के बाद ना एक चीज़ का ध्यान रखने की, भाई लाइफ जैकेट ज़रूर पहनना। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद 24 दिसंबर 1892 को पहुँचे थे और 2 या 3 दिन की उन्होंने यहाँ पे साधना करी थी। इसके बाद बोट आपको तिरुवल्लुवर स्टैचू ले जाएगी। तिरुवल्लुवर एक तमिल कवि थे, ये उन्हीं की जाइजेंटिक प्रतिमा है। इसके बाद मैं वापस बोट लेके जेट्टी पे आ गया। मेरी बस नगर कोयल से ऊटी की थी, तो मैं कन्याकुमारी से बस लेकर पहले नगर कोयल गया और वहाँ से बस लेकर फिर ऊटी की तरफ। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।